नाज़रीन किराम, आज हमारा एक मौजू ऐसा है जो हर घर की ज़रूरत है, हर मुसलमान की भी ज़रूरत है, और अगर इसको मैं ज़रा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अर्ज़ करूँ तो दुनिया के हर साहिब अकल इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इसको जाने, इसको पहचाने, इसका मुताला करे। ये जो आज का हमारा मौजू है, ये असल में राह हिदायत का असल मौजू है। आज का हमारा मौजू है नाज़रीन इकराम, मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक क्या हैं। हम कुरान हकीम जो है उसको क्या सिर्फ़ शादियों के लिए हमने रखा हुआ है कि जब शादी ब्याह होगी तो दुल्हन के और दूल्हा के सर पे उसको रख दिया जाएगा, या कोई फौत हो जाएगा तो फिर कुरान हकीम जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हम वो खुशबख्त उम्मत हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी मुकम्मल किताब अता फ़रमा दी, किताब भी मुकम्मल अता फ़रमा दी और ज़ात भी मुकम्मल अता फ़रमा दी, ख़ातमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। और कुरान हकीम के बारे में वो जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से एक यहूदी ने जब यह आयत सुनी थी, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो उसने कहा यह आयत अगर हम पे नाजिल होती तो हम इसको ईद के तौर पे मनाया करते, जश्न मनाया करते थे। ये इतनी बड़ा एक तोहफ़ा है कि हमारे पास वो किताब है जिसमें दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये किताब जो है, इसके बारे में मैं अक्सर दोहराया करता हूँ, ये कायनात बाबे सवालात है और कुरान हकीम बाबे जवाबात है। हर शेय रहनुमाई जो है इससे मिलती है। कुरान हकीम के क्या मुसलमानों पर हकूक़ हैं? सबसे पहला ये है कि इसके ऊपर कामिल ईमान और यकीन लाना ज़रूरी है, और ये जहन में रखना है कि इसमें ला रैबफ़ी, इसमें कोई शक नहीं। शक करेगा तो फिर वो कुरान से इंसाफ नहीं कर रहा होगा। इसकी तिलावत और तरतील ये भी हक है। जब तिलावत कुरान हकीम करें तो तिलावत सही तौर पे करनी चाहिए, एराब के साथ करनी चाहिए, किसी से समझ के करनी चाहिए, और ठहर वरतल कुरान तरतीला, कुरान हकीम को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए।